कृपया हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। आज के एपिसोड में हम उत्पत्ति 18 से 21 तक देखेंगे, जहां हमने पिछले एपिसोड में इश्माइल की कहानी देखी और खतना की वाचा के विषय में देखा। आज हम लूत की कहानी के बारे में देखेंगे और इसहाक के जन्म के विषय में जानेंगे। आओ हम अध्याय को विषय के आधार में देखें। अब्राहम की कहानी की शुरुआत ही संतान के विषय में थी, जहां हमने बुलाहट को देखा। परमेश्वर कहता है कि तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, और फिर जब इश्माइल पैदा होने वाला होता है तब परमेश्वर दोबारा उससे कहता है कि मेरी वाचा सारा के द्वारा जन्मे संतान के साथ होगी। जब अब्राहम 99 वर्ष का होता है तब भी परमेश्वर यही दोहराता है कि इश्माइल के जरिए नहीं पर सारा द्वारा जन्मे पुत्र से परमेश्वर अपनी वाचा पूर्ण करेगा। अध्याय 18 में हम देखते हैं कि अब्राहम अपने तंबू के बाहर बैठा है और वह देखता है 3 व्यक्तियों को। वह तुरंत जाता है और उन्हें दंडवत करके प्रणाम करता है और उन्हें आमंत्रित करता है भोजन और विश्राम के लिए। वे आमंत्रण को स्वीकार करते हैं और अब्राहम उनके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करता है। और जब वे खाना खा रहे होते हैं तो अब्राहम उनकी सेवा के लिए खड़ा रहता है। जब वे खा चुके तब वे पूछते हैं कि सारा कहाँ है, और अब्राहम कहता है कि वह तंबू में है। और उनमें से एक उनसे कहता है कि अगले वर्ष मैं लौटूंगा और निश्चय ही सारा को पुत्र होगा। सारा जो तंबू में खड़े होकर सुन रही होती है वह हंसती है, यह सोचकर कि मेरी तो उम्र हो गई है और मेरे पति अब्राहम भी बूढ़े हैं, तो उनको संतान कैसे हो सकती है? क्या इस उम्र में संतान सुख मिल पाएगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मैं जो ऐसी बूढ़ी हो गई हूं, क्या सचमुच मुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के द्वारा पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे कहती है कि मैं नहीं हंसी, पर वह उससे कहता है, नहीं तो हंसी तो थी। फिर वह वहां से चलकर सदोम की ओर ताकने लगी और अब्राहम विदा करने उनके साथ चला। और जैसा परमेश्वर ने कहा था, अगले वर्ष सारा को पुत्र उत्पन्न होता है, जिसे हम उत्पत्ति 21 वचन 1-7 में देखते हैं, और उसका नाम इसहाक रखा गया। अब्राहम की उम्र 100 वर्ष की होती है और सारा 90 वर्ष की होती है। जब बच्चे का दूध छुड़ाया गया तब बड़ा जश्न रखा गया। अब्राहम जब 3 अतिथियों को विदा कर रहा होता है तब परमेश्वर उत्पत्ति 18 वचन 17-21 में कहता है, तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ सो क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे। इसलिए कि जो यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। फिर यहोवा ने कहा, सोडम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। सो वे पुरुष वहां से मुड़ के सोडम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। यह अब्राहम परमेश्वर के सामने खड़ा होता है।
परमेश्वर से वार्तालाप करते हुए विनती करता है। क्या सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्यायी न्याय ना करे? इस पर परमेश्वर कहता है कि अगर मुझे 50 धर्मी मिले तो उनके कारण सोदोम नगर को माफ कर दूंगा। फिर अब्राहम पूछता है कि अगर 5 कम हो तो क्या 45 के लिए नाश करोगे? जिस पर परमेश्वर कहता है कि मैं उस नगर को 45 की वजह से छोड़ दूंगा। फिर अब्राहम पूछता है कि अगर 40 हो तो, जिस पर परमेश्वर कहता है कि मैं उस नगर को 40 की वजह से छोड़ दूंगा। वचन 30 में अब्राहम नम्रता से कहता है कि आप क्रोधित न हो अगर 30 हो तो, जिस पर परमेश्वर कहता है कि मैं 30 के कारण उस नगर को छोड़ दूंगा। वचन 31 में अब्राहम पूछता है कि अगर 20 हो तो, जिस पर परमेश्वर कहता है कि मैं उस नगर को 20 की वजह से छोड़ दूंगा। वचन 32, फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। इसके आगे वह नहीं बढ़ता है, क्योंकि अब्राहम को लगता है कि सदोम में लूत के कम 10 तो लोग होंगे जिसके कारण सदोम का नाश नहीं होगा। अब्राहम के इस निवेदन करने के तरीके से हमें परमेश्वर प्रेरित करता है कि हम दूसरों के विषय में हमारे परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। प्रार्थना में परिश्रम के विषय में पौलुस कुलूसियो 4:12 में कहता है, इब्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम से नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। यीशु मसीह के विषय में वह अब भी हमारे लिए पिता से प्रार्थना करता है, जिसे हम इब्रानियों 7:25 में देखते हैं। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। लूत की कहानी हम उत्पत्ति 12 में देखते हैं कि लूत अब्राहम का भतीजा होता है, और जब परमेश्वर की बुलाहट अब्राहम को होती है तो लूत भी उसके साथ चल देता है। अध्याय 13 में जब अब्राहम मिश्र देश से लौटता है तो अब्राहम के साथ लूत भी धनी होता है। वचन 5-7 बताता है कि और लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरियां गाय बैल और तंबू थे, सो उस देश में उन लोगों की समाई ना हो सकी कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। सो अब्राहम और लूत की भेड़ बकरियां और गाय बैल के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ, और उस समय कनानी और परिजिया लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहता है कि अच्छा नहीं है कि हम एक परिवार के होकर विवाद में रहे, इसीलिए बेहतर होगा कि हम अलग हो जाएं। अब्राहम उसे कहता है कि सारी जमीन तुम्हारे सामने है, जहां तुम जाओ उसकी दूसरी ओर मैं जाऊंगा। तब लूत चुनता है सोअर को, और उसे वह नगर आदन की वाटिका और मिस्र देश जैसे उपजाऊ दिखाई दी। साफ था कि लूत की नजर में पैसा और तरक्की जरूरी था, न कि उसके साथ रहना जहां परमेश्वर की आशीष थी।
अध्याय 14 बताता है कि 5 राजा और 4 राज्य में युद्ध शुरू हो जाता है और जिस राज्य के अधीन सोवर का नगर आता है अर्थात सोदम, वह युद्ध में हार जाता है और सारे लोग बंदी बना लिए जाते हैं, जिसमें लूत और उसका परिवार भी शामिल है। और अब्राम जाकर उन सबको छुड़ा लाता है। वहाँ के सारे लोग जान लेते हैं कि परमेश्वर का हाथ अब्राम पर है और अब्राम सोदम के राजा को उसके सारे लोग और उनकी संपत्ति लौटा देता है, साथ ही सोदम के राजा का तिरस्कार भी करता है। यहाँ हम लूत को अब्राम के पास बसते हुए नहीं देखते, पर वह सोअर से निकलकर सोदम में जो महानगर है वहाँ जाकर बसता है, जिसे हम अध्याय 19 की शुरुआत में देखते हैं कि लूत सोदम के फाटक के पास बैठा था। परमेश्वर ने तय कर लिया था कि उसे सोदम और अमोरा का विनाश करना है, जिसे हम उत्पत्ति 18 वचन 20-21 में देखते हैं। फिर यहोवा ने कहा, सोदम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। अध्याय 19, परमेश्वर के दूत सोदम में आते हैं और लूत उन्हें आग्रह करता है उसके घर में रुकने के लिए, जिसे वे मानते हैं और लूत उनकी खातिरदारी करता है। वे जब सोने की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनके दरवाजे पर शहर के सारे लोग, जवान से लेकर बूढ़ों तक आते हैं, जिसे हम वचन 4 और 5 में देखते हैं। उनके सो जाने के पहले उस सोदम नगर के पुरुषों ने, जवान से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे कि जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। और लूत उनसे बाहर जाकर अपने किवाड़ के पीछे से कहता है कि ऐसी बुराई न करे और उनसे पेशकश करता है कि मेरी 2 बेटियां हैं जो कुवारी है, तुम जैसा चाहते हो वैसा उनके साथ कर सकते हो, पर इन दोनों को छोड़ दो क्योंकि वे उनके अतिथि हैं। पर भीड़ नहीं मानती, पर यह कहती है वचन 9 में, उन्होंने कहा हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्यायी भी बन बैठा है, सो अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब वे दोनों दूत लूत को अंदर खींच लेते हैं और किवाड़ को बंद कर लेते हैं, साथ ही सारे लोग जो वहाँ हमला करने आते हैं उनको अंधा कर देते हैं, वे बिखर जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई या समझ नहीं आता है। दूत उनसे पूछता है कि क्या उनका कोई रिश्तेदार है, अगर है तो उन्हें लेकर इस नगर से निकल जाए, क्योंकि कल सवेरे होते ही परमेश्वर इस नगर को तबाह कर देगा। लूत अपने होने वाले दामाद के पास जाता है कि उन्हें बचा ले, पर वे नहीं मानते और उन्हें लगता है कि लूत मजाक कर रहा है। पर जैसे समय निकट आता है, दूत उन्हें आग्रह करते हैं कि वे निकल जाएं। फिर दूत उन्हें लूत की पत्नी और उसकी 2 बेटियों को हाथ पकड़कर बाहर ले आता है। दूत उन्हें कहता है कि पहाड़ में चले जाए और जाते समय पीछे न देखना। पर लूत कहता है कि वह कठिन है क्योंकि वह बहुत दूर है और वे भी मारे जाएंगे। वह उनसे आग्रह करता है कि जो पास में छोटा सा नगर है सोहर, उन्हें वहां जाने दे, जिसे दूत बांध जाते हैं। और यह भी कहते हैं वचन 21-22 में, उसने उनसे कहा, देख मैंने इस विषय में भी तेरी विनती अंगीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नाश ना करूंगा, फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम
स्वर पड़ा। यह वही नगर था जहां लूत अब्राहम से अलग होकर जाता है। परमेश्वर के न्याय में यह नगर भी दंडित होने वाला था, पर लूत के जाने की वजह से उस नगर को बख्शा गया। जाते समय स्वर्गदूत कहता है लूत और उसके परिवार को कि पीछे की ओर न देखना, पर लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखती है और उसी क्षण नमक की मूर्ति बन जाती है। सूर्योदय के साथ आकाश से सल्फर गंधक गिरने लगता है और सारा नगर जल जाता है। वचन 23-25, लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सोदम और यमुरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। वचन 30 बताता है कि और लूत ने सोअर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोअर में रहने से डरता था। इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे। लूत का विश्वास मानो नगर में रहने से उठ गया था, साथ ही वह दूसरी बार अपनी दौलत को खो चुका था। वह अब गुफा में बसेरा करता है। उसकी बेटी को फिकर थी कि उनके पिता के वंश को आगे ले जाने वाला कोई नहीं था। रात की घटना से शायद वे भी घबरा गई थी और उनके पिता का उन्हें पेश करना भी डरावना था। दोनों बहनें तरकीब करती है कि क्यों ना अपने पिता के जरिए पुत्र उत्पन्न करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी शादी होने से रही। तो वे अपने पिता को मदिरा पिलाकर बारी बारी सोते हैं कि अपने पिता से पुत्र उत्पन्न हो। तो बड़ी बेटी को पुत्र होता है जिसका नाम मोयाब रखा जाता है और छोटी बेटी का पुत्र होता है जिसका नाम बेन ममी रखा जाता है। मोआब के ही नाम पर मोआब जाति बनती है और बेनमी का वंश अमोनी कहलाता है। यह दोनों जाति परमेश्वर और अब्राहम की संतान के विरुद्ध में रहती है। हम लूत के जीवन से क्या सीखते हैं? पहला, परमेश्वर के अभिषेक के साथ चलना। लूत की शुरुआत सही और अच्छी थी, पर पैसों की लालच ने उसे भटका दिया। दूसरा, उसके पास बहुत मौके थे अब्राहम के पास लौट आने के, जिसे पहले हम उत्पत्ति 14 में जब अब्राहम उसे छुड़ा के लाता है तब, और दूसरा जब सदोम के विनाश के बाद वह अब्राहम के पास लौट कर जा सकता था, पर वह गुफा में जाकर एकांत में जीना चाहता है और परमेश्वर के दुश्मन को जन्म देता है। तीसरा, सुरम के लोगों की विकृत मानसिकता दिखाई देती है कि किसी भी अजनबी को उनमें शामिल करने से पहले पुरुष छोटे और बड़े उनके साथ सामूहिक यौन संबंध मनाते हैं। लूत के साथ नहीं होता है क्योंकि अब्राहम की जीत के बाद उसका औदा राजा के सामने बढ़ गया था। समलैंगिक परमेश्वर के नजर में अपराध है और नए नियम में परमेश्वर इसका विरोध करता है, जिससे हम 1 तिमोथी 1:10, रोमियो 1:26-27, यहूदा 7, प्रकाशित वाक्य 22:15 में देखते हैं। चौथा, धन का लालच या मोह को जितना जल्द अपने जीवन से निकाल सको उतना अच्छा, खास करके जब आपके पास से चला जाता है, जैसे हम लूत की पत्नी के साथ देखते हैं कि वह पीछे मुड़कर देखती है और जीवन गवा देती है। लूका 17:32 में यीशु शिष्य को याद कराता है। पांचवा, कभी भी अकेले रहने की आदत नहीं डालना, खास करके जब स्थिति बुरी हो, और जल्द ही उसमें से बाहर निकलना यह हर एक की जिम्मेदारी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा भविष्य खतरे में रहता है। छठा, जैसे अब्राहम अतिथि सत्कार करता है वैसा ही लूत करता है, जो उसमें यह विशेष बात दिखाई देती है
इब्रानियों 13:2 कहता है, पहुनाई करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। अगले हफ्ते हम अब्राहम की वाचा अभिमलेक के साथ और इसहाक की कहानी को देखेंगे।